ऊपरी इलाके में भारी बारिश के चलते ढाढर और ओरसंग नदी में पानी की काफी ज्यादा आय हुई है। तो वहीं वडोदरा जिला कलेक्टर अतुल गौर की ओर से आने वाले 24 घंटे में भारी बारिश की आशंका के चलते 39 गांवों को अलर्ट दे दिया गया है। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं और साथ ही इन सभी गाँव में तलाटी का मंत्रियों को अलर्ट पर रहने की सूचना दे दी गई है। ऐसे में इस मामले में जिला कलेक्टर अतुल गौर की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। राज्य सरकार की तरफ थी जे मड़ेली सूचना मुजब छोटा उदयपुर नी अंदर गत रात्रे भारे वरसाद पड़ो छे अने आजे छोटा उदयपुर नी अंदर आवता 24 कलाक माटे छूटा छवाया भारे अने अति भारे वरसाद थवानी शक्यताओ छे। ए उपरांत वडोदरा जिल्लामां पण छूटो छवायो भारे वरसाद थवानी शक्यताओ छे। आ फोरकास्टिंग आवेलू छे। आ संजोगोमां ज्यारे छोटाउदेपुरनी अंदर जो वधारे वरसाद थाय तो एनी असर पूर तरीके ओरसंग नदी अने ढाढर नदीमां थई शकती होय छे। आ संजोगोमां आ नदी किनाराना लोकोए वडोदरा जिल्लानीमांथी पसार थती तमाम नदी किनाराना लोकोए नदीमां बिनजरूरी प्रवेश न करवो, नदी सलामती सिवाय क्रॉस न करवी, માત્ર બ્રિજ ઉપરથી જ ક્રોસ કરવી જેથી આપના જાનમાલનું રક્ષણ થઈ શકે, આપના પરિવારના સભ્યો પણ નદી તરફ કારણ વગર ન જાય તેની જાગૃતિ સર્વે રાખવાની રહેશે। આપ ખબરો સે લગાતાર અપડેટ રહેના હુઆ આસાન બીઆરજી ન્યૂઝ આપકે મોબાઈલ સ્ક્રીન પર આજ હી બીઆરજી ન્યૂઝ કી મોબાઈલ એપ ગૂગલ પ્લે સ્ટોર ઓર એપ સ્ટોર સે ડાઉનલોડ કરે ઓર ખબરો સે લગાતાર જુડે રહે।